वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं जूहे मिश्रा आप लोगों की बायोलॉजी एडुकेटर एक नए कॉन्सेप्ट में एक नई क्लास में आपका स्वागत है आज के इस छोटे से सेशन में हम स्पीशीज कॉन्सेप्ट को क्विक वे में रिवाइज करेंगे और जानेंगे कि जो स्पीशीज कॉन्सेप्ट है उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो कॉम्पिटिशन्स के लिए स्पेशली नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है So, चलिए स्टार्ट करेंगे स्पीशीज कॉन्सेप्ट फॉर कॉम्पिटिशन और आप स्क्रीन शॉट लेके कंटेंट नोट भी कर सकते दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी देखो स्पीशीज का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि इसको किसने प्रपोज किया था तो स्पीशीज कॉन्सेप्ट दिस वाज फर्स्ट टाइम गिवन बाय जॉन रे आपने सीबीएसई क्लास इलेवेंथ लिविंग वर्ल्ड में ये बात पढ़ी भी होगी कि जब आप टेक्सोनॉमी की हिरारकी को डिस्कस करते हैं तो हिरारकी जहां से बेसिकली स्टार्ट होती है वो सबसे छोटी यूनिट जो होती है क्लासिफिकेशन की उसको स्पीशीज बोलते हैं जिसका ग्रुप या जीनस बनाएगा फिर कई जीनस यानी जिनरा आपस में मिलेंगे तो फैमिली बनेगी देन ऑर्डर देन क्लास तो इस हिसाब से हिरारकी विल गोज ऑन इंक्रीजिंग तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जिससे आप एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलग कर सकते हैं ठीक है और आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी के साथ फॉर एग्जाम्पल अगर सोलैनम मेलॉन जेना लिखा है तो हम समझ जाएंगे ये ब्रिंजल है एंड सोलैनम ट्यूबरोसम लिखा है इट मीन्स पोटैटो या आलू है लेकिन अगर मेलॉन जेना और ट्यूबरोसम जो इसकी स्पीशीजेज हैं अगर आप इसको हाइड कर दें देन यू कैन नॉट प्रिडिक्ट की ऊपर जो लिखा है वो पोटैटो है कि जो नीचे लिखा है वो पोटैटो है तो जॉन रे जो थे इन्होंने पहली बार ये टर्म दिया था ठीक है और स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज इसका क्या मतलब है इसको मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के नाम से भी जानते हैं जिसको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी सर कैरोलस लीनियस ने प्रपोज किया था इन्होंने बोला था कि स्पीशीज जो फिक्स्ड है जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते जो इम्यूटेबल एंटिटीज हैं यानी जिसमें म्यूटेशन भी नहीं होती वो स्टैटिक तो स्टैटिक का मतलब ही होता है जो बदलता नहीं है जो चेंज नहीं होता है अपोजिट टू द स्टैटिक वी हैव अ ऑफ स्पीशीज जिसको ने प्रपोज किया था जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरी भी दी है इन्होंने और इन्होंने ये बात बोली कि स्पीशीज म्यूटेबल होती है बदलती है चेंजेस होते हैं उसके जेनेटिक मटेरियल में और ये एक डायनेमिक यूनिट है ये कांस्टेंट नहीं है ये बदल जाती है और बिल्कुल सही बात है क्योंकि म्यूटेशन कभी भी कहीं भी हो सकता है और अपने से स्पॉन्टेनियस या कराके आर्टिफिशियल भी हो सकता है तो स्टेटिक कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज किया था डायनेमिक कॉन्सेप्ट आया था उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आया ये बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट आया जो सर अर्न्स्ट मेयर ने प्रपोज किया था डार्विन ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी बोलते हैं इनको एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ आर कैपेबल टू इंटरब्रीड यानी जिनके एक्सटर्नल फीचर्स भी सेम हो जिनके अंदर के बॉडी के फंक्शन और फिजियोलॉजी मेटाबोलिज्म सेम हो जिनके बायो केमिकल ऑर्गेनाइजेशन भी सेम हो जिनका बिहेवियर सेम हो कैरेक्टर सेम हो और जो आपस में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करके अपनी पॉपुलेशन को जनरेट कर सकें वो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट में आते हैं और आप टाइम टू टाइम ये देख रहे हैं कि जो चेंजेस हुए हैं स्पीशीज में वो पहले आपका लग रहा था कि कुछ कुछ रॉन्ग है तो अगले कॉन्सेप्ट में उसमें इंप्रूवमेंट और मॉडिफिकेशंस हुई हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पीशीज कॉन्सेप्ट में जैसे पहला टेक्सोनॉमिक स्पीशीज क्लास ये स्पीशीज जिनका बाइनोमियल नेम है वो आपके बाइनोमियल नोमलेचर वाला कि जीनस के बगल में जो स्मॉल लेटर से आप लिखते हैं जैसे नेम और सरनेम का कॉन्सेप्ट है वैसे ही टेक्सोनोमिक स्पीशीज बाई नेम में इंडिकेट होती है सिबलिंग स्पीशीज क्या होती है वी नो ब्रदर सिस्टर्स को बोलते हैं तो दो डिस्टिंक्ट स्पीशीज यानी दो अलग अलग स्पीशीज विच डू नॉट इंटरब्रीड बट अदरवाइज डिफिकल्ट टू सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ मोर्फोलॉजी आप उसको मोर्फोलॉजी के बेसिस पे एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे अलग नहीं कर सकते लेकिन वो दो अलग हैं क्योंकि वो आपस में मीटिंग भी नहीं कर सकते इट मीन वो सिबलिंग स्पीशीज कहलाएंगे एलोपेट्रिक स्पीशीज क्या होती है एलोपेट्रिक स्पीशीज वो होती है एरिया ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो बड़े लेवल पर काफी वाइड लेवल पर ब्रॉड लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट होती है ठीक है वैलीज है माउंटेन्स जोन है जोन्स है ठीक है ओशियंस हैं सी है वॉटर बॉडीज है तो एक्सक्लूसिव एरिया डिस्ट्रीब्यूशन का होता है सिमपेट्रिक स्पीशीज क्या होती है सिमपेट्रिक स्पीशीज ओवरलैपिंग एरियाज में होती है मतलब कोई एक एरिया किसी दूसरे एरिया से अगर ओवरलैप करे तो यहां जो कॉमन पॉइंट आएगा यहां पे जो स्पीशीज इवोल्यूट होगी वो सिमपेट्रिक स्पीशीज कहलाएगी पैरापैट्रिक स्पीशीज क्या होती है स्पीशीज विद द एडजेसेंट ज्योग्राफिक रेंजेस मीटिंग इन अ वेरी ऑफ़ नैरो ओवरलैपिंग मतलब यहां भी दो जोन ओवरलैप करेंगे सपोज ए ओवरलैप बी लेकिन जोन ऑफ ओवरलैपिंग बहुत कम होता है सिम पेट्रिक में बड़ा लेवल होगा ओवरलैपिंग का पैरापेट्रिक में ओवरलैपिंग कम होती है एलोक्रोनिक स्पीशीज क्या होती है स्पीशीज जो अलग अलग टाइम पीरियड को बिलोंग करती है अपने एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनकी ओरिजिन जो है वो डिफरेंट पीरियड में हुई है सिंक्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है स्पीशीज बिलोंगिंग टू अ सेम पीरियड और अ टाइम जो सेम पीरियड को बिलोंग करे यानी सपोज एक्स और वाई दो स्पीशीज हैं मान लो ये दोनों आपके मिसो में इवोलूट हुई हैं तो ये एक्स और वाई आपस में सिंक्रॉनिक स्पीशीज कही जाएंगी लीन स्पीशीज क्या होती है ये टेक्सोनॉमिक स्पीशीज है जिनको मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर आप अलग कर सकते हैं उसका अपियरेंस कैसा है कैरेक्टर्स कैसे हैं आउट कैसी है मोर्फोलॉजी कैसी है और की स्टोन स्पीशीज क्या होती है जिनका इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और साथ में इकोलॉजी में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मतलब की स्टोन स्पीशीज को अगर आप एरिया से एलिमिनेट कर दें तो बाकी स्पीशीज की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर इसका असर दिखेगा फूड चेन फूड वेब डिस्टर्ब हो जाएगी पूरा इकोसिस्टम जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्पीशीज का इसको रिवाइज करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक like, शेयर जरूर करेंगे कमेंट जरूर देंगे ताकि पता चले फीडबैक आपका कि व्हाट यू आर फीलिंग एक्चुअली ठीक है अगले कॉन्सेप्ट में मिलेंगे कुछ नया पढ़ेंगे थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन विथ मी बायोलॉजी अपडेट्स के लिए और रेगुलर प्लस क्लासेस के लिए आप मुझे अन पर भी फॉलो कर सकते हैं थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू